हाय एवरीवन, मैं हूँ सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर। सो मेरे को बहुत सारे मैसेजेस ऐसा आता है कि मैं लड़का से लड़की कैसे बनूँ या फिर लड़की से लड़का कैसा बनूँ, मेरा गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड का जल्दी से शादी हो रहा है, तो मैं क्या करूँ, मेरे को जल्दी से ट्रांजिशन करवाना है या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हेटरोसेक्सुअल हूँ या फिर मुझे लड़का पे भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चंस मुझे मिलता है जो इस वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ, और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मुझे लगता है कि आप लोगों का ट्रांजिशन के रिलेटेड, सर्जरी के रिलेटेड और गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है या फिर लड़की से लड़का कैसे बनो, सारा इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। सो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलता है ट्रांजिशन, सर्जरीज और ट्रांसपर्सन के बारे में। तो मैं ये वीडियो पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो एक्चुअली अपने आप को ट्रांसमैन या फिर ट्रांस पर्सन आइडेंटिफाई करते हैं और अपने आप को और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं और हमारी कम्युनिटी का एक पार्ट अपने आप को सोचते हैं। सो हम बातों बातों में बहुत ऐसे कॉमनली टर्म्स यूज़ कर लेते हैं, फिर वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं जो बहुत यूज़ करना बहुत गलत है और हमें पता भी नहीं है। वो हम एक्सप्लेन करेंगे या फिर उसके अंदर डाइव इन करेंगे तो हमको पता चलेगा वो चीज़ एक्चुअली क्यों वो गलत है हम यूज़ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रांजिशन किसी भी ट्रांसमैन को डिफाइन नहीं करता है। अगर आप अपने आप को आपका जेंडर आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर पर्सन है और आपका जेंडर आइडेंटिटी ट्रांसजेंडर मैन है, तो आप ट्रांजिशन करो या ना करो, सर्जरी करो या ना करो, फिर भी आप एक लड़का ही हो, आप एक ट्रांसमैन ही हो। ओके, तो आप अगर ट्रांजिशन ना भी करो और आप अपने आप को ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करते हो तब भी आप एक लड़का हो। अगर आप ट्रांजिशन करो, सर्जरी करो, सारे कुछ भी आपका मन चाहे जो कुछ भी कर लो, जितने भी सर्जरी करना कर लो, कुछ भी कर लो अपने बॉडी के साथ, तब भी आप लड़का ही रहोगे। बिना सर्जरी का तब भी आप लड़का ही रहोगे, क्योंकि जेंडर हमारा साइकोलॉजी मैटर होता है और वो चीज़ हम अपने आप को कैसे सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर होता है, तो अपने आप को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके हिसाब से जेंडर होता है, ना कि कोई सर्जरी, कोई भी ट्रांजिशन, वो सबसे हम अपने आप को डिफाइन करते हैं। तो मैंने सर्जरी नहीं किया, मैं लड़का नहीं हूँ, वो कभी मत सोचो। आप नहीं भी किया तब भी आप लड़का हो, आप सर्जरी किया तब भी आप लड़का हो। सो इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कि बहुत मैसेजेस आता है कि मेरे को लड़कों की तरह ड्रेसिंग स्टाइल पसंद है, मेरे को लड़कों की तरह बाल पसंद है, जो इसके वजह से मैं ट्रांजिशन करवाना चाहता हूँ। सो मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूँ कि जेंडर एक्सप्रेशन और जेंडर आइडेंटिटी दोनों अलग चीज़ होती है। जेंडर एक्सप्रेशन ये होता है कि आप फेमिनिन वे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर आप मस्कुलिन वे से रिप्रेजेंट कर रहे हो या फिर फेमिनिन मस्कुलिन दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और जेंडर आइडेंटिटी ये होता है कि आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप लड़का भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप लड़की भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या फिर कोई और भी जेंडर से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसके साथ आपका बाल छोटा है या आप कौन सा तरीके का ड्रेस पहन रहे हो उसका कोई कनेक्शन नहीं। आप कैसा बाल रख रहे हो, आपका फेस कैसा होगा, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होगा, वो मस्कुलिन होगा कि नहीं, वो फेमिनिन होगा कि नहीं, वो आपका जेंडर एक्सप्रेशन के अंदर आता है। और आपका जो जेंडर आइडेंटिटी है, वो आप लड़का हो या लड़की हो, वो कुछ अलग होता है, वो आपका जेंडर होता है। सो इस कन्फ्यूजन में कभी मत आओ कि मुझे बड़े बाल पसंद है इसका मतलब मैं लड़की हूँ, मुझे छोटे बाल पसंद है इसका मतलब मैं लड़का हूँ, या फिर मेरे को लड़कों की तरह, सो कॉल्ड लड़कों की तरह, क्योंकि ड्रेस का कोई जेंडर नहीं होता। सो मुझे मेल क्लोथ्स या फिर मस्कुलिन क्लोथ्स पहनना पसंद है इसका मतलब मैं लड़का ही हूँ। पहले अपने आप को जानो, आपका सेक्सुअलिटी क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका अपने आप से पूछो कि मैं क्या खुश रहूँगा ट्रांसमैन आइडेंटिफाई करके या फिर ट्रांजिशन करके, या फिर मैं अभी अपने आप पे जैसे हूँ वैसे खुश हूँ। इसका आंसर मिलने के बाद ही आप आगे। बहुत सारे ट्रांसपर्सन ऐसा भी करते हैं कि बाकी अगर ट्रांसपर्सन का गर्लफ्रेंड हो या फिर उसने शादी कर लिया किसी लड़की से, तो वो लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मेरा कब शादी होगा, मेरा कब वाइफ होगी। सो बेसिकली एक बात आप सोचो, आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हो,
आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। अब आप सोच रहे हो कि बाकी ट्रांसमैन का अगर गर्लफ्रेंड है तो मेरा भी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। सो बेसिकली ऐसा नहीं होता है। सारे ट्रांसमैन हेट्रोसेक्सुअल नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ट्रांसमैन का या फिर सारे ट्रांसपर्सन का गर्लफ्रेंड नहीं होता है। हो सकता है कि आप हेट्रोसेक्सुअल नहीं हो, लेकिन यू आर जस्ट कॉपिंग अदर ट्रांसमैन। यू आर जस्ट कॉपिंग कि सोसाइटी में अगर कोई लड़का का अगर गर्लफ्रेंड हो या फिर कोई ट्रांसमैन का गर्लफ्रेंड हो तो मेरा भी गर्लफ्रेंड ही होना चाहिए। सो बेसिकली आप अगर एक ट्रांसमैन हो तो आप उसको, आपका सेक्सुअलिटी जो है वो कुछ भी हो सकता है। आप हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकते हो, आप बाइसेक्सुअल हो सकते हो, आप पैनसेक्सुअल हो सकते हो, या फिर आप एसेक्सुअल भी हो सकते हो, या फिर आपका और कुछ सेक्सुअलिटी भी हो सकता है। सो आप पहले अपने आप को जानो, आपको पहचानो कि आपकी सेक्सुअलिटी क्या है। आप लड़का पे इंटरेस्टेड हो या लड़की पे इंटरेस्टेड हो, या फिर आप लड़का लड़की दोनों पे इंटरेस्टेड हो, या फिर आप रिगार्डलेस ऑफ जेंडर सारे इंसान पे इंटरेस्टेड हो, तो उस तरह से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप को। बहुत सारे लोगों के साथ आप बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो, और बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस आप सुन सकते हो। उन लोगों का एक्सपीरियंस अगर आपके साथ शेयर करें तो उसके साथ आप अपने आप को कनेक्ट करो। फिर इसके बाद जाके आप डिसाइड करो कि आर यू हेट्रोसेक्सुअल और आर यू बाइसेक्सुअल और एनी अदर सेक्सुअलिटीज। तो आपका सेक्सुअलिटी कुछ भी हो सकता है। आपका सेक्सुअलिटी ऐसा नहीं है कि आप हेट्रोसेक्सुअल हो इसका मतलब आपका बस गर्लफ्रेंड ही होगा। और आपका अगर गर्लफ्रेंड नहीं है तो कोई बात नहीं है बॉस, बहुत सारे लोगों का गर्लफ्रेंड नहीं होता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म है। अपने आप के लिए काम करो, आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो अपने आप को, आपकी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करो। जैसे एक सीजेंडर पर्सन का, जैसे एक सीजेंडर पर्सन का, सीजेंडर लड़का का अगर बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, या फिर वो लड़का लड़की लड़का दोनों इंटरेस्टेड हो सकता है, वैसा ही एक ट्रांसमैन भी उनका गर्लफ्रेंड भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, और लड़का लड़की दोनों में वो इंटरेस्टेड हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे सेक्सुअलिटीज हो सकते हैं। तो अपने आप को पहले जानो, ना कि आप गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करना स्टार्ट। सो मुझे ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है कि भैया मेरा गर्लफ्रेंड का शादी हो रहा है और मेरे को जल्दी से ट्रांजिशन करवाना है, तो शायद मैं उससे शादी कर पाऊँ। सो मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूँ कि ट्रांजिशन जल्दी जल्दी से नहीं होता, ये कोई जल्दी जल्दी का प्रोसेस नहीं है। आप अगर सोच लोगे कि मैं कुछ इंजेक्शन पुश कर दूंगा, मेरा जल्दी से वॉइस चेंज हो जाएगा, बियर्ड आ जाएगा, मैं सर्जरी करवा लूँगा और मैं किसी लड़की से शादी कर लूँगा, ये सही प्रोसेस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिशन, हम जो ट्रांसमैन या फिर ट्रांसपर्सन है जो ट्रांजिशन करवाते हैं, वो अपने आप के लिए ट्रांजिशन करवाते हैं, ना कि दूसरे के लिए, ना कि दूसरे किसी को शादी करने के लिए, दूसरे किसी से प्यार करने के लिए, उसको पाने के लिए, या फिर वो इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए ट्रांजिशन करवाते हैं। नहीं, हम ट्रांजिशन करवाते हैं अपने आप में सुकून में होने के लिए। हम जैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, हम जैसे अपने आप को बाकी पूरे ज़िंदगी, हम जैसे अपने आप को देखना चाहते हैं, अपने आप को महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, कंफर्ट फील करना चाहते हैं अपने बॉडी के अंदर, इसके वजह से हम ट्रांजिशन कर लेते हैं, ना कि किसी दूसरे इंसान के लिए ट्रांजिशन कर लेते हैं। सो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ट्रांजिशन करवा के आप अपने प्यार को जीत लोगे, ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे, तो ऐसा नहीं होता। एक बार ट्राई करके देखो, अगर आप ऐसा कर सकते हो कि ट्रांजिशन करवाने से ही आपका गर्लफ्रेंड का फैमिली अगर आपके साथ शादी करवा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप अपने ऑथेंटिसिटी को आप बाहर रख रहे हो। यहाँ पे आप ऐसा एक पर्सन होके जा रहे हो जो आप सिसजेंडर पर्सन को कॉपी कर रहे हो। आप खुद में नहीं हो, आप एक दूसरे इंसान को कॉपी कर रहे हो, जो दूसरे सिसजेंडर पर्सन है उसको कॉपी कर रहे हो। सो ट्रांजिशन आप खुद के लिए करो। अगर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पार्टनर सपोर्ट नहीं करते हैं, उसके शादी हो जा रहा है, या फिर किसी उसके फैमिली नहीं मान रही, देन इट्स ओके।
अपने खुद के लिए सोचा, अगर कोई इंसान, कोई आपका पार्टनर अगर आपके लिए कुछ साल तक इंतजार नहीं कर पा रहे, कुछ कुछ टाइम तक इंतजार नहीं कर पा रहे, तो ये प्यार नहीं है बॉस। प्यार में बहुत पेशेंस लगता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, बहुत बहुत सेक्रीफाइसेस करना पड़ता है। सो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि भैया मुझे आपके जैसा लड़की से लड़का बनना है, सो मुझे भी सारे सर्जरीज मुझे भी कराना है। तो पहला बात मैं ये बोल देता हूँ कि लड़का से लड़की या फिर लड़की से लड़का बनना ऐसा कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। जो हम यूजुअली, जिसको हम फीमेल टू मेल बोलते हैं या फिर FTM बोलते हैं, सो बेसिकली ये FTM वर्ड्स जो है, फीमेल टू मेल, ये बहुत सालों से यूज़ होता आ रहा है। सो बेसिकली ये वर्ड एक ये जो पूरा टर्म है फीमेल टू मेल या फिर FTM, ये पूरा रॉन्ग टर्म है और ये हमें, वी शुड नॉट यूज़ दिस। इसका रीज़न भी है, बिकॉज़ हम जब कोई ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई इंसान अगर असाइंड फीमेल एट बर्थ है, मतलब उस जन्म में, जन्म के टाइम पे अगर डॉक्टर ने किसी का, पेरेंट्स को बोला है कि बधाई हो आपका बेटी हुआ है, तो उस टाइम पे डॉक्टर को लगा कि वो लड़की है इसलिए उसने बोला है कि आपका बेटी हुआ है। बेसिकली वो एक ट्रांस पर्सन या फिर ट्रांस मैन अगर है, तो अगर वो असाइंड फीमेल एट बर्थ है लेकिन फिर भी वो बेटी नहीं है, फिर भी वो फीमेल नहीं है, अगर वो फीमेल नहीं है वो फीमेल टू मेल कैसे ट्रांजिशन करवा सकता है, राइट? तो और सेकंड बात ये है कि अगर कोई ट्रांस पर्सन अपने आप का सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर जो होता है, ट्रांस मैन जो होता है या फिर ट्रांसजेंडर मैन जो होता है, वो हमारा सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर होता है, वो हमारा सेक्स असाइंड एट बर्थ से बहुत अलग है। हमारा जो जेंडर है वो साइकोलॉजी है, वो हमारे अंदर से आता है। हमें अपने आप को किस तरह से मेल सोचते हैं या फीमेल सोचते हैं या किसी और जेंडर से सोचते हैं, नॉन बाइनरी भी हो सकता है या फिर जेंडर फ्लूड भी हो सकता है, बहुत सारे जेंडर हो सकते हैं, तो हम कौन से जेंडर से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारा सेल्फ आइडेंटिफाइड जेंडर। देयर इज नथिंग, नो कनेक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स हमारा एक कंस्टेंट है जो हमारे जन्म के टाइम पे असाइंड होता है, वो होता है हमारा सेक्स असाइंड एट बर्थ, जो मेरा फीमेल था, आपका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन आप मेल हो या फीमेल हो या फिर लड़का हो या लड़की हो या फिर और कुछ जेंडर है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, वो डिपेंड करता है आप अपने आप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है? सो देर इज नथिंग कॉल्ड फीमेल टू मेल या फिर मेल टू फीमेल। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग फीमेल टू मेल और मेल टू फीमेल, वी कैन यूज ट्रांस मैन और ट्रांस वूमेन, ओके? और थर्डली मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ट्रांस पर्सन है, बहुत सारे ऐसा ट्रांस मैन और वुमेन भी है जो ट्रांजिशन नहीं करवाते हैं, जो कोई भी सर्जरी या फिर कोई भी ट्रांजिशन नहीं करवाते हैं, लेकिन दे जो ट्रांस मैन सर्जरी नहीं करवाते हैं, दे आर स्टिल ट्रांस मैन, अ ट्रांस मैन और मैन, राइट? फीमेल टू मेल जो होता है वो वर्ड एक्चुअली सारे ट्रांस कम्युनिटी को या फिर सारे ट्रांस मैन को डिफाइन नहीं करता है, ठीक है? जो ट्रांजिशन करवाता है वो भी ट्रांस मैन होते हैं, जो ट्रांजिशन नहीं करवाते हैं वो भी ट्रांस मैन होते हैं, और ट्रांस मैन और मैन होते हैं। तो बिना ट्रांजिशन का कोई अपने आप को अगर मैन आइडेंटिफाई करता है, वो भी तो ट्रांस मैन या फिर वो भी तो मैन है, वो भी तो लड़का ही है ना। सो लड़की से लड़का बोल के कोई प्रोसेस, कोई सर्जरीज कुछ भी नहीं होता है।